जिला मुख्यालय हमीरपुर के लघु सचिवालय के गेट के पास लोगों की सुविधा के लिए बने आधार केंद्र और एटीएम इन दिनों रंगड़ों के निशाने पर है। जी हाँ, यहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति को रंगड़ों ने भयभीत कर रखा है। दरअसल रंगड़ों का छत्ता ठीक उस छत्ते पर लगा हुआ है जहाँ अक्सर लोग आते जाते हैं। जिला मुख्यालय हमीरपुर के लघु सचिवालय के गेट के पास लोगों की सुविधा के लिए बने आधार केंद्र और एटीएम इन दिनों रंगड़ों के निशाने पर है। जी हाँ, यहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति को रंगड़ों ने भयभीत कर रखा है। दरअसल रंगड़ों का छत्ता ठीक उस छत पर लगा हुआ है जहाँ अक्सर लोग आते जाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आधार कार्ड अपडेट करवाने यहाँ आते हैं। दो बार रंगड़ हमला भी कर चुके हैं लेकिन लोग बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी तरफ गेट के पास ही पुलिस की जांच चौकी है। अत्यंत व्यस्त इस क्षेत्र में रंगड़ कभी भी हमला कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने आए एक युवक ने बताया कि जैसे ही उसकी नजर रंगड़ों के छत्ते पर गई वे भयभीत हो गया। युवक ने प्रशासन से मांग की है कि रंगड़ों के छत्ते को जनहित में यहां से शीघ्र हटाया जाए। आए आधार कार्ड बनाने और सर ऊपर सर मुझे एक रंगड़ सामने आया और जब मैं अंदर लगा तो मैंने ऊपर वैसे भी नजर गई तो ऊपर देखा कि रंगड़ का वहाँ पे छाटता था। और सर यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनको कभी भी ये रंगड़ काट सकते हैं, तो सर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका कोई ना कोई हल कीजिए और रंगड़ के इस छाते को हटाए। वहीं दूसरे युवक ने तो इस दृश्य को चिराग तले अंधेरा बता दिया। युवक का कहना है कि लघु सचिवालय के मुख्य गेट एटीएम व आधार केंद्र के पास लगे रंगड़ों के छत्ते को तुरंत हटाया जाए। मैं अभी अपना आधार कार्ड जो था वो अपडेट करवाने के लिए हमीरपुर में आया था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा जिसे कहते हैं, चिराग जो है वो सामने जल रहा है लेकिन अंधेरा जो है वो बिल्कुल साथ में है। और ये खतरा हम लोग तो फिर थोड़ा समझ जाएंगे, छोटे साथी हमारे भाई बहन जो आ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो है वो खतरा लगातार हमारे नज़दीक है। और आप देख सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा, हमीरपुर का प्रशासन सोया हुआ है, जनता भी सोई हुई है और जाग रहे हैं।